हेलो एवरीवन, आरआरबी फार्मासिस्ट सुपर 30 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोन्स फार्माकोलॉजी, जिसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्स ड्यूरिंग स्ट्रेस बाय प्रमोटिंग लिपोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जो लिपोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसे प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब एटीपी का सिंथेसिस होगा बाय यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो लिपिड्स की मदद से या नॉन लिपिड नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मदद से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब आप अमाइनो एसिड्स फैट्स इनका यूज करके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब सवाल ये पूछा है, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो लिपोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसी दो प्रोसेसेस को इनिशिएट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन एड्रेनालिन, सेकेंड ऑप्शन कॉर्टिसोल, थर्ड ऑप्शन अल्डोस्टेरॉन, लास्ट ऑप्शन इंसुलिन। इसमें से जो हार्मोन लिपोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है उसका आंसर है ऑप्शन बी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का एक्चुअली दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। ये हम ऑलरेडी किसी एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो कॉर्टिसोल है, ये लिपोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसी दो प्रोसेसेस को इनिशिएट कर देता है जिससे आपके बॉडी में एनर्जी डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का एक्चुअल सोर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, विच एड्रेनल हार्मोन इज क्रिटिकल फॉर रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है आपके बॉडी में? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब इनको अगर आपको रेगुलेट करना है तो कौन सा हार्मोन आपकी मदद करेगा? फर्स्ट कॉर्टिसोल, सेकेंड एड्रेनालिन, थर्ड अल्डोस्टेरॉन, लास्ट नॉरएड्रेनालिन, आल्सो कॉल्ड एज नॉरएपिनेफ्रिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अल्डोस्टेरॉन, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन। क्या आपने इसके बारे में सुना है? एक ऐसी सिस्टम जो बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिसकी मदद से आप हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो अल्डोस्टेरॉन नाम का जो केमिकल है, ये आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आपकी मदद करता है। इसके कारण सोडियम एंड पोटेशियम का जो एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन है वो कंट्रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ जोना फैसिकुलोटा इन एड्रेनल कॉर्टेक्स? एड्रेनल ग्लैंड के दो सेक्शंस है, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। ये आउटर पोर्शन जो है इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन जो है इसे हम कहेंगे मेड्यूला। सवाल ये पूछा है, इनमें से जोना फैसिकुलोटा जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो लेयर है वो एग्जैक्टली क्या करता है? तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के टोटल तीन लेयर्स है, फैसिकुलोटा, रेटिकुलरिस एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। ऐसे तीन लेयर्स है। तो इसमें से जोना फैसिकुलोटा जो है एग्जैक्टली क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, सीक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन, सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस। जोना फैसिकुलोटा एग्जैक्टली यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज करता है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉर्टिसोल। जोना फैसिकुलोटा जो है वो बेसिकली कॉर्टिसोल को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि मिडल लेयर है एड्रेनल कॉर्टेक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा? कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, एड्रेनालिन या एंड्रोजेंस? एक ऐसा हार्मोन जो एक्चुअली मेड्यूला प्रोड्यूस करता है, जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वो हार्मोन है एड्रेनालिन। आंसर सी इज राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन एंड एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करेगा, उसका एड्रेनालिन से कोई रोल नहीं है। एड्रेनालिन का सीक्रेशन एक्चुअली एड्रेनल मेड्यूला करता है, और उसी के साथ दूसरा और एक केमिकल है जिसे हम कहते हैं नॉरएड्रेनालिन। विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सर्कैडियन रिदम? हमारे बॉडी का जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसे कंट्रोल कौन करता है?
मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन या थायरोक्सिन? चलो, मेलाटोनिन तो पिनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, कॉर्टिसोल एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, एड्रेनालिन का ओरिजिन एड्रेनल मेड्यूला है एंड थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन कैटेगरी में आता है। थायराइड हार्मोन दो कैटेगरीज में है, एक है T3, दूसरा है T4। अब सवाल ये पूछा है, सरकार्डियन रिदम को कंट्रोल कौन करेगा? और इस क्वेश्चन का आंसर है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और इसके कारण हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल कंट्रोल होता है। सो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए। विच हार्मोन इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो टू द मसल? इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो दोनों को कंट्रोल करता है बट इसका रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये ज्यादातर रिलीज होता है। कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन या इंसुलिन? इंसुलिन का काम तो हमारा ग्लूकोज का लेवल, इसे मेंटेन करने का काम इंसुलिन करेगा। अब बचता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्सेस ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है इट इज एड्रेनालिन। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं हमारे बॉडी में जो केमिकल रिलीज होता है उसका नाम है एड्रेनालिन, जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को ब्लड फ्लो को एनहांस कर देता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस? आप अगर फास्ट कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो फिर ग्लूकोज के लेवल को अगर आपको मेंटेन रखना है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? जब आप नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, इनकी मदद से अगर आप ग्लूकोज का सोर्स बनाते हैं उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब सवाल ये है, ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन रखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनिशिएट करना है, कौन सा केमिकल आपकी मदद करेगा? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन या इंसुलिन? इस सवाल का सही जवाब है कॉर्टिसोल। बहुत सारे क्वेश्चन कॉर्टिसोल से कनेक्टेड है क्योंकि वो अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। भले आपको आंसर रिपीटेटिव मिलेगा लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, उन्हें आपको याद करना है। विच एड्रेनल हार्मोन्स ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलेमिया? आपके एड्रेनल हार्मोन कैटेगरी में किसका ओवर प्रोडक्शन आपको हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की लेवल बहुत कम है, हाइपरटेंशन मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म मतलब आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन के लेवल बहुत ज्यादा है। अब इसके पीछे कॉजिटिव फैक्टर कौन है? कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन या नॉरएफिनेफ्रिन? नॉरएफिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉर एड्रेनालिन। इस सवाल का जवाब है अल्डोस्टेरोन। जब आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन का ओवर प्रोडक्शन होता है ऐसे कंडीशन में वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा, यह प्रेशर एनहांस करेगा जिसके कारण आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट इसी अल्डोस्टेरोन के कारण पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ता है, दैट्स व्हाई यू मे सफर विथ हाइपोकैलेमिया। एंड उसकी लेवल अगर बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। तो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेड्यूला एंड एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन नर्वस सिस्टम? हमारे एड्रेनल मेड्यूला से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो होता है एड्रेनालिन, दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। अब सवाल यह है, इन दोनों में से हमारी नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करेगा? एड्रेनालिन करेगा या नॉरएफिनेफ्रिन करता है? आंसर इज नॉरएफिनेफ्रिन। नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जिस केमिकल का है वो है नॉर एफिनेफ्रिन। ये हमारे NN रिसेप्टर, NM रिसेप्टर,
एनएम रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिकली एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सिबल है, बट न्यूरॉन टू न्यूरॉन अगर कनेक्शन करवाना है वो भी आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो केमिकल परफॉर्म करता है वो है नॉरएफिनेफ्रिन। इसकी लेवल अगर बहुत ज्यादा हो गई तो डिप्रेशन आ सकता है, बहुत कम हो गई तो भी डिप्रेशन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जो हमारे हार्ट एक्टिविटी को एज वेल एज नर्वस सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एड्रेनल इंसफिशिएंसी। अगर आपकी एड्रेनल ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करती है आप पता कैसे लगाएंगे? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। अगर आपको एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो रही है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं कर रही है, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी है वो है हाइपर पिगमेंटेशन, जिसका दूसरा नाम है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज कब होता है? जब आपके बॉडी में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जो लेवल है वो जब इंक्रीज हो जाती है, विच स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट्स। तो एड्रेनल इंसफिशिएंसी, ये प्रॉब्लम जनरली एडिसन्स डिसीज में ज्यादातर पाई जाती है। इट कैन लीड्स टू हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू इंक्रीज ACTH लेवल, मतलब आपके एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण आपके स्किन का जो कलर है वो चेंज होने के चांसेस है, उसे हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। क्योंकि ये जो एड्रेनल इंसफिशिएंसी है ये हमारे मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर देती है, और इस इम्प्रॉपर स्टिमुलेशन के कारण आपको हाइपर पिगमेंटेशन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस सवाल का आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड इंसुलिन के बारे में पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अगर आपको नॉन जेनेटिक डायबिटीज हुआ है, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, आपकी लाइफस्टाइल के कारण जो डायबिटीज होता है उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। अब इसे ठीक करना है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या यूज करेंगे? इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल यूरिया, थायाजुलिडिन, डायोन्स। आंसर है इट इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, फिनफॉर्मिन ऐसे दो ड्रग्स हैं, जिसमें से फिनफॉर्मिन को अभी यूज नहीं करता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैक्टिक एसिडोसिस, जिसके कारण इसे मार्केट से विड्रॉ किया गया है। लेकिन मेटफॉर्मिन को आज भी हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। इसमें से कौन सी मेडिकामेंट रैपिडली एक्ट कर सकती है? इंसुलिन ग्लार्जिन, लिस्प्रो, डेटिमर या NPH इंसुलिन। क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। इंसुलिन के क्लासिफिकेशन है फास्टर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, स्लोअर एक्टिंग। तो सबसे रैपिडली एक्टिंग जो है वो है आपका इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन लिस्प्रो। तो जब आप खाना खाते हैं उस वक्त ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये इंसुलिन लिस्प्रो को यूज करता है। विच क्लास ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक वर्क्स बाय एनहांसिंग इंसुलिन सीक्रिशन फ्रॉम द पैनक्रियाज। इसमें से वो कौन सी ड्रग की कैटेगरी है जो आपके बॉडी में इंसुलिन का सीक्रिशन बढ़ा देती है, जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी कि तू इंसुलिन को ज्यादा रिलीज कर, जिससे कि ग्लूकोज की लेवल को हम कम कर सकते हैं? बाइगोनाइट्स, सल्फोनिल यूरिया, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स या DPP4 इनहिबिटर्स। कोई है आप में से जो इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू, चलो बताइए। ओके, इट इज सल्फोनिल यूरिया। क्या है? सल्फोनिल यूरिया। ये हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है सो दैट ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा और वो हमारे ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करेगा। विच ड्रग इज यूज टू मैनेज हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें से कौन सी मेडिकामेंट है जो हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करती है बाय डिलेइंग कार्बोहाइड्रेट एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। कैसा है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ानी है तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करके एब्सॉर्ब करेगी, ये हम सबको पता है।
लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को ही रोक दे तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं आ सकता। वो कैसे पॉसिबल है? बाय टेकिंग मेटफॉर्मिन, अकार्बोज, पियोग्लिटाजोन या सीटाग्लिप्टिन। आंसर इज, कोई है जो अकार्बोज को टिक करना चाहता है? ऑप्शन बी के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं? इट इज अकार्बोज। अकार्बोज एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, एक ऐसा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को उसके सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है, जिससे कि छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो आप इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अगर मेटाबोलाइज किया ही नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, अल्टीमेटली ग्लूकोज की लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। सो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। विच इंसुलिन प्रिपरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पीकलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट? इसमें से एक ऐसा इंसुलिन है जो स्लोली रिलीज होता है, जिसका ऐसा कोई पीक नहीं आता है, एकदम कॉन्स्टेंट रिलीज है लंबे समय के लिए। इंसुलिन एस्पार्ट, लेस्प्रो, ग्लार्जिन या फिर रेगुलर इंसुलिन? मैंने बोला था ना, इंसुलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ना ही है, और इस सवाल का आंसर है इंसुलिन ग्लार्जिन। इसका कोई ऐसे पीक आता ही नहीं, ये कॉन्स्टेंटली थोड़े थोड़े अमाउंट में इस तरीके से रिलीज होता है, तो आपको लंबे समय के लिए एक्टिविटी मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। सो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विथ हार्ट फेल्यूर ड्यू टू रिस्क ऑफ फ्लूइड रिटेंशन? इसमें से एक ऐसा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो हार्ट फेल्यूर के पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि ये ऐसा ड्रग है जो बॉडी के अंदर फ्लूड की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। एंड हार्ट फेल्यूर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फ्लूड ज्यादा है, कैपेसिटी कम है, पंपिंग होने में दिक्कत होती है। तो कौन सा ड्रग हम यहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे? मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड या सीटाग्लिप्टिन? आंसर इज पियोग्लिटाजोन, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है फ्लूइड रिटेंशन। एंड अगर फ्लूइड रिटेंशन होता है तो हार्ट फेल्यूर वाला पेशेंट तो वहां पे ज्यादा तकलीफ में आएगा, और ऐसा हमें तो नहीं करना है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज सूटेबल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद यूज ऑफ सल्फोनिल यूरिया? अगर आप सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी के ड्रग्स को यूज करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको कौन सी आएगी? लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, वेट लॉस, थायराइड डिसफंक्शन? कॉम्प्लिकेशन बोला है, कॉम्प्लिकेशन। लैक्टिक एसिडोसिस, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की लेवल एकदम से बढ़ेगी, ये तो मेटफॉर्मिन फिनफॉर्मिन के कारण होता है। क्या ये ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देंगे, वेट को रिड्यूस करेंगे या थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे? चलो फटाफट आंसर दे दो। कोई है जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेगा आप में से? यस, एनी वन ऑफ यू? ओके, इट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी के ड्रग्स जब भी आप कंज्यूम करेंगे, ग्लूकोज की लेवल एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाएगी, जिसके कारण आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी एज ज्यादा है या फिर किडनी खराब है, उन पेशेंट्स में ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। मेटफॉर्मिन का प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? इंसुलिन सीक्रेशन को इंक्रीज करना, इनहिबिट्स ग्लूकागॉन रिलीज, स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक इन द मसल्स और डिक्रीजेस हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन? मेटफॉर्मिन बाइगोनेट कैटेगरी की इंपॉर्टेंट मेडिकामेंट, और इसका मोड ऑफ एक्शन है डिक्रीजेस हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन प्रोसेसेस को इनहिबिट कर देता है, जिससे ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके कम होगा। सो अल्टीमेटली मेटफॉर्मिन का यही एक मोड ऑफ एक्शन है। विच क्लास ऑफ ड्रग्स एनहांसेस इनक्रेटिन्स इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम DPP4? इसमें से वो कौन से कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो बेसिकली DPP4 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिनके कारण इनक्रेटिन्स की लेवल इंक्रीज होती है?
जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट है, ऑब्वियस आंसर होना चाहिए DPP-4 इनहिबिटर। DPP-4 इनहिबिटर ये इंसुलिन के रिलीज को एनहांस करता है बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इनक्रीटिंस बाय इनहिबिटिंग देयर डिग्रेडेशन। DPP-4 इनहिबिटर के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, विच इंसुलिन प्रिपरेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें से इंसुलिन का वो कौन सा प्रिपरेशन है जो आप खाने के बाद ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसा प्रिपरेशन जो खाने के बाद जो ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है उसे कम करने के लिए मदद करेगा। पोस्ट प्रांडियल का मतलब होता है आफ्टर टेकिंग योर मील, उसके बाद ग्लूकोज की लेवल तो बढ़ेगी, अब हमें उस लेवल को कंट्रोल करना है तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे? ग्लार्जिन, डेटिमर, इंसुलिन रेगुलर और इंसुलिन लिस्प्रो। इसका आंसर है इंसुलिन लिस्प्रो। खाने के बाद जो ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी उसे कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकामेंट यूज करता है वो है इंसुलिन लिस्प्रो। तो ये थे हमारे आज के सेशन के टोटल 20 MCQs। ऑलरेडी हम कुछ MCQs डिस्कस कर चुके हैं, अबाउट 80 MCQs को हमने आज इस लेक्चर तक डिस्कस किया है। और भी MCQs है, इसका लास्ट पार्ट आने वाला है, दैट इज हार्मोन्स फार्माकोलॉजी पार्ट 6। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आई होप आप हार्मोन्स को सीरियसली पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हार्मोन्स से क्वेश्चन बनेगा। हार्मोन्स उसकी कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लीजिए। हार्मोन्स के इंडिविजुअल डिसीजेस, ज़्यादा होता है तो क्या होगा, कम होता है तो क्या होगा, कौन सा हार्मोन कौन से डिसीज कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है, ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो एंडोक्राइन हार्मोन्स, एक्सोक्राइन हार्मोन्स, इनका क्लासिफिकेशन एज वेल एज उनकी रिसेप्टर कैटेगरी पढ़ना भी ज़रूरी है। कौन सा हार्मोन कौन से रिसेप्टर से कनेक्ट करता है, वेदर इट इज आयनोट्रॉपिक, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये चारों कैटेगरीज आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन्स के रिसेप्टर एक्शंस, डिसीजेस, डेफिशिएंसी डिसीजेस, एक्सेसिव डिसीजेस, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलेंगे पार्ट 6 में। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।